अगर आप अंडा ऐसे खाएंगे तो आपको अंडे का भी टेस्ट मिलेगा और दम आलू का भी टेस्ट मिलेगा, और इसे आप पूरी, चावल, फुलका किसी के साथ भी बहुत ही आसानी से खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हंगर किचन। और मकर संक्रांति आने वाला है, इसके लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए हैं और ऐसे छील के आधा ऐसे काट लिया है, और अंडे भी बॉईल करके फ्राई कर लिए हैं, और टमाटर, एक टमाटर भी काट लिया है इसमें। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक मसाला पेस्ट किया है, जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और इलायची और दालचीनी है इसमें, और ब्लैक पेपर है और लाल मिर्ची है। यह इसमें मैंने एक प्याज भी दिया है। तो सभी को आप एक साथ पेस्ट बना लीजिएगा। हम इसमें तड़का दे देंगे जीरा और दो तेज पत्ते का, और जब जीरा थोड़ा चटक जाए उसके बाद हम इसमें दे देंगे टमाटर। तो ये टमाटर मैंने सबसे पहले दिया है ताकि टमाटर थोड़ा गल जाए। तो देखिए ये जो आलू है, मैं इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ लूँगी, मैं पूरा नहीं तोड़ूंगी, एकदम मसल के एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है। देखिए मैंने आलू को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है हाथों से ही, और टमाटर भी थोड़ा गल चुका है। वो जो हमने मसाला का पेस्ट किया था, इसे भी हम अभी दे देंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी मिक्सर ग्राइंडर पॉट में थोड़ा मसाला लगा हुआ था, उसी में मैंने थोड़ा सा और पानी मिला दिया ताकि देखकर मसाला ना जल जाए। अब इसे सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये बहुत ही सिंपल और एकदम ही इजी है, चटपट तैयार हो जाता है। आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी बना के दे सकते हैं, लंच डिनर किसी में भी आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने नमक, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर दे दिया है। देखिए मसाला भून चुका है। अब हम ने जो आलू तोड़े हुए थे उन आलूओं को भी दे देंगे। अभी सभी को मिलाकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम इसमें गरम पानी दे देंगे। अब इसे ढककर हम कुछ देर तक पका लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो बॉईल हो चुका है, आलू भी बॉईल्ड ही है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए बॉईल हो चुका है। तो आलू को इस तरह से आप पहले बॉईल कीजिएगा ताकि इसका छिलका सिर्फ उतर जाए, पूरा बॉईल ना हो, एकदम हाथ से पकड़ने से गल जाए ऐसा ना हो। छिलका उतारने जैसा ही आप बॉईल कीजिएगा। अभी अंडे जो फ्राई करके रखे हुए थे अंडे, उन्हें भी हम दे देंगे। से ढककर हम कुछ देर के लिए पका लेंगे। तो तैयार हो चुका है अंडा आलू दम करी, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो अभी इसमें हम धनिया दे देंगे और गार्निश के लिए, अच्छा भी लगेगा और टेस्ट भी लगता है। तो ये मेरे गार्डन का धनिया पत्ता है, मैं उसे दे रही हूँ। मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, मेरी रेसिपीज कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ पसंद भी नहीं आता है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।